हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ तीन बेस्ट फेस वॉश के बारे में जो ड्राई स्किन के लिए। और गाइस बता दूं, जो भी वीडियो में मैं फेस वॉश बताऊंगा उसका रिव्यू वीडियो, जो डिटेल रिव्यू वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और गाइस बता दूं, जो भी फेस वॉश मैं इस वीडियो में बताऊंगा उसका मैंने यूज़ किया है और जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है वही आपसे शेयर करूंगा। आपको पता ही होगा, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ड्राई स्किन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपके फेस पे, जैसे कि इरिटेशन, ड्राई पैचेज और फेस को ड्राई होना, पूरी तरह से ड्राई हो जाता है। और गाइस जो भी आप लगाते हैं अपने फेस पर वो एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद फिर भी आपकी स्किन ड्राई। तो गाइज मुझे ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है क्योंकि मेरे भी स्किन है जो ड्राई है। और गाइज मैं बता दूं कि मैंने भी बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद तीन ऐसे जो फेस वॉश है उसको चुना मैंने और उसका यूज़ किया, वो बहुत ही अच्छा फेस वॉश है। वीडियो में मैं इन्हीं तीन फेस वॉश के बारे में बताने वाला हूँ। और गाइज बता दूं, ये जो तीन फेस वॉश है आपके फेस को तो क्लीन करेगा ही करेगा और साथ में जो मॉइस्चर है आपके फेस का उसको भी बैलेंस करेगा, ड्राई आउट नहीं करेगा, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए बनाया गया है स्पेशली। चैनल बनाया हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गाइज हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है लोटस हर्बल का वाइट ग्लो फेस वॉश। तो गाइज आप फेस वॉश को देख सकते हैं, इसकी पैकिंग की बात करें तो आपको एक पाउच में मिल जाता है और यहाँ पे आपको कैप मिल जाता है, यहाँ से आप ओपन करके जितना आप यूज करना चाहते हैं यूज कर सकते हैं। तो गाइज बात करें इसकी इंग्रेडिएंट की, तो गाइज बता दूं इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किया गया है। जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है मिल्क, एंजाइम, ऑलिव ऑयल और एलोवेरा। तो गाइज बता दूं, जो ऑलिव ऑयल और एलोवेरा है हमारे फेस की मॉइस्चर को बैलेंस करके रखता है, और जो इसमें मिल्क एंजाइम का यूज किया गया है वो हेल्प करता है हमारे फेस को डीप क्लीन करने में और ग्लोइंग बनाने में। तो गाइज बात करें इसकी प्राइस की, तो आपको 260 रुपीज का मिल जाता है और 100 ग्राम का आपको ये पैक मिल जाता है। तो गाइज हमारे लिस्ट में दूसरे नंबर पर है द मैन कंपनी का चारकोल फेस वॉश। तो गाइज बात करें इसकी पैकिंग की, आपको प्लास्टिक के बोतल में मिल जाता है। और गाइज मैं बता दूं, अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड और वाइट हेड हो गए हैं और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है और वो ब्लॉक हो चुके हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल होते हैं, तो गाइज इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइज बात करें इसकी इंग्रेडिएंट की, तो ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है, ना इसमें पैराबिन का यूज किया गया, ना ही सल्फेट का। तो गाइज मेन इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसमें आपको चारकोल मिल जाता है जो आपके फेस को डीप क्लीन करता है, जितने भी आपके ओपन पोर्स हैं उसमें जो भी डॉट्स फंसा हुआ था उसको हटाता है और डीप क्लीन करता है और ब्लैक हेड वाइट हेड को हटाता है। उसके बाद आपको इसमें आर्गन ऑयल का यूज़ किया गया, वो आपकी स्किन को पूरी तरह से ग्लोइंग बनाता है और चमकदार बनाता है। उसके बाद आपको अलंग अलंग ऑयल यूज किया गया जो आपके फेस को मॉइस्चर को बैलेंस करता है। तो गाइस बात करें इसकी वॉल्यूम की, तो आपको 100ml का ये पैक मिल जाता है और गाइस प्राइस की बात करें तो आपको 249 रुपीज का ये मिल जाता है। तो गाइस हमारे लिस्ट में सबसे पहले नंबर पे है और मेरी फेवरेट फेस वॉश सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर। गाइस बता दूं, ये जो फेस वॉश है ये डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं, अगर आपकी स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर भी रेकमेंड करते हैं। तो गाइस बात करें इसकी पैकिंग की, तो आपको एक प्लास्टिक के बोतल में मिल जाता है, वो पूरी तरह से व्हाइट कलर का होता है। बात करें इसकी इंग्रेडिएंट की, तो जो सबसे पहला इसमें मिल जाता है वो है ग्लिसरीन, उसके बाद आपको मिल जाता है नाइसिनेमाइड मिल जाता है, उसके बाद आपको मिल जाता है विटामिन B5 और विटामिन B3। तो गाइस मैं बता दूं, ये जो फेस वॉश है आपको फेस की जो है पूरी तरह से हाइड्रेट करके रखता है, जो इसमें ग्लिसरीन का यूज किया गया है हमारे फेस को हाइड्रेट रखता है, ड्राई आउट नहीं होने देता। उसके बाद जो इसमें नाइसिनेमाइड का यूज किया गया है हमारे फेस पे जितने पिंपल हैं और एक्ने हैं और चाहे उसके एक्ने के मार्क हैं उनको ट्रीट करता है और वहां से वहां खत्म करता है। और गाइस बता दूं, आपके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल हो रहे हैं और आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसके साथ जा सकते हैं। और गाइस बता दूं, सबसे अच्छी बात मुझे इस फेस वॉश की ये लगती है कि ये नॉन कॉमनोजेनिक है, जो हमारे पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक नहीं करता है और हमारे पोर्स को क्लीन भी करता है। आपके फेस पे व्हाइट हेड और ब्लैक हेड है उनको भी ये क्लीन करता है। और गाइस बता दूं, ऑल स्किन प्रॉब्लम का वन सॉल्यूशन है, जितने भी आपकी स्किन प्रॉब्लम होते हैं चाहे ड्राइनेस हो, पिंपल के मार्क हो, पिंपल हो चुके हैं, सबको ये हटाता है। और गाइस बता दूं, ये ड्राई स्किन वाले यूज कर सकते हैं और सेंसिटिव स्किन वाले भी यूज कर सकते हैं। और गाइस बता दूं, अगर आपकी ऑयली स्किन है, अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो सेटाफिल का ऑयली स्किन क्लींजर एक अलग आता है। गाइस बात करें इसकी प्राइस की, तो आपको 300 रुपए का मिल जाता है और गाइस वॉल्यूम की बात करें तो 125 ml का मिल जाता है। तो गाइस बता दूं, ये जो फेस वॉश है मेरी फेवरेट फेस वॉश है। गाइस ये तीन बेस्ट फेस वॉश थी ड्राई स्किन के लिए जिसे मैं भी यूज करता हूं। अगर आपकी भी स्किन पे बहुत ही ज्यादा ड्राइनेस होती है, ड्राई पैचेस हो गए हैं, तो गाइस आप इसको यूज कर सकते हैं। और गाइस बता दूं, ये पूरी तरह से केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी हार्श केमिकल का यूज नहीं किया गया है। और गाइस अगर आप भी एक अच्छे फेस वॉश को ढूंढ रहे हैं और आपकी भी ड्राई फेस है तो गाइस आप इसके साथ जा सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। Treat me like a stranger and I feel so loved.